हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके आपको लिंक क्लास 8 ICSE की सलीना बुक जो प्लेलिस्ट है उसमें से मिल जाएंगी, और उसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब हमें क्या बताया गया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 90% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो पहले हम सेलिंग प्राइस को सपोज कर लेंगे जिसके बारे में दिया हो, ध्यान से देखना है आपने। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 90% ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के 90% है तो पहले आपको सेलिंग प्राइस को सपोज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम लिख लेते हैं लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो हमारे पास आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस को क्या ले लेंगे, सेलिंग प्राइस को हम ले लेते हैं रुपीज़ एक्स। देन कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 90% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो वो क्या बन जाएगा 90/100 इंटू एक्स, 9 0 0 कट गया, 9 × x 9x/10, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। अब देन उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, हमें देखना है प्रॉफिट है कि लॉस, ये फ्रैक्शन में नहीं है ये फ्रैक्शन में है। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, क्या करना है, जैसे सेलिंग प्राइस क्या है आपकी एक्स, तो अगर हमने इसका भी डिनोमिनेटर 10 बनाना है तो क्या कर देंगे, नीचे 1 और 10 से मल्टीप्लाई करने से इसका डिनोमिनेटर भी 10 बन जाएगा। जब भी आपने कंपेयर करना होता है किसी भी दो फ्रैक्शन में, जो दो नंबर्स में कि कौन सा बड़ा है, और एक नंबर फ्रैक्शन में जो दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो आपको पहले उनके डिनोमिनेटर्स को क्या करना होता है, इक्वल सेम बनाना होता है। तो अब देखिए 10x 10 10 सेम है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में, अब न्यूमिनेटर में देखिए यहाँ 10x है या 9x है, तो बड़ा क्या हुआ आपकी सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो क्वेश्चन में क्या हुआ, हुआ इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 10x/10 माइनस 9x/10, तो क्या आ गया आपका एलसीएम लेके 10x-9x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 में से 9 गए एक ही एक्स बचेगा, एक्स के साथ अगर सिंगल एक्स हो मतलब 1, तो उसके साथ 1 को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। देन आपको फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100, दैट इज़ ये हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP कितने 9x/10 इंटू 100। मैंने कैसे सिखाया था आपको, कैसे दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड जो फ्रैक्शन होगी नीचे उसको रेसिप्रोकल कर देना है, और साइन कौन सा लगाना है मल्टीप्लाई का, देन एक्स से एक्स कट गया 10 वन ज़ा 10 वन ज़ा, आपका आंसर आ गया 100/9%, एंड ये हमारा प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 11/1/9%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन द सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या था कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 90% ऑफ इट सेलिंग प्राइस, वहाँ पे ऑफ था हमने मल्टीप्लाई किया था, अब क्या है कॉस्ट प्राइस 30% लेस है सेलिंग प्राइस से, जब जो भी हमारी सेलिंग प्राइस होगी उसमें से उसका 30% क्या करना है माइनस करना है, देन हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने के 2 वेज होते हैं, फर्स्ट हम ऐसे ही कर सकते हैं एक्स लेके, दूसरा कि हम जो वैल्यू लेते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया था लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी एक्स, तो यहाँ पे मैं ये भी ले सकती थी लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल रुपीज़ 100। अब देखिए 100 कब सपोज करते हैं, ऐसे नहीं हम कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो 200 300 एंड सो ऑन, नो हम 100 ही सपोज करते हैं, और वो कब करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन हम उसी वे से करेंगे, मैं आपको दोनों वे सिखा देती हूँ, आपको जो इजी लगेगा आप वो कर सकते हैं। अगर आपको एक्स वाले मेथड से करना है जैसे हमने ये किया, आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपको 100 वाले मेथड से करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखिए और आपको ये भी याद ध्यान रखना है कि हम कब एक्स की जगह पे 100 सपोज करते हैं, जब आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन था कि कॉस्ट प्राइस 30% लेस देन है सेलिंग प्राइस की, कोई अमाउंट नहीं गिवन थी, 30 40 100 ऐसे कोई वैल्यूज नहीं गिवन थी, तब हम ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹100, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या ले ली ₹100। अब उन्होंने क्या कहा था कॉस्ट प्राइस क्या है
30% लेस देन द सेलिंग प्राइस। फिल्म देखते हैं, 30% ऑफ सेलिंग प्राइस क्या होगा? 30 over 100 into 30, यहाँ पे 100 आना है। देन अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस 100 है उसी का निकालना है, तो हमारे पास आ गया ₹30। कॉस्ट प्राइस क्या आ गई हमारे पास, उन्होंने कहा था कॉस्ट प्राइस क्या है, 30% लेस देन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हमने क्या सपोज किया है, ₹100, उसमें से क्या माइनस कर दें, उसी का 30%, दैट इज आंसर क्या आ गया हमारे पास, 70। देन उन्होंने हमें कहा है फाइंड करो प्रॉफिट हुआ ट्रांजेक्शन पे कि लॉस। अब आपको दिख रहा है कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारी 100 थी और कॉस्ट प्राइस है 70, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमने लिखा प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 100 माइनस 70, तो हमारे पास कितने बचे प्रॉफिट में, 30। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट ओवर क्या होता है, प्रॉफिट ओवर सीपी, सीपी कितनी वैल्यू है हमारी, 70 into 100। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100, ये 2 जीरोस कट गए, ये क्या आ गया, 300 over 7%, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। और हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमारा आ जाएगा 42.6/7%, और ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। हम चाहें तो इसको एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बस एक सेकेंड वे बता दिया, आपको जो इजी लगे वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ शॉपकीपर बाउट 300 eggs एट 80 paisa each, मतलब उसने 1 egg कितने का लिया, 80 paise का। देन 30 eggs ट्रांजेक्शन में क्या हो गए हैं उसके, ब्रोकन। एंड देन ही सोल्ड द रिमेनिंग एग एट ₹1, उसने 1 rupee का 1 egg सेल कर दिया। अब हमें बताना है उसको इस ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने लिख लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 eggs क्या होगी, 1 egg था 80 paise का, 300 eggs कितने होंगे, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24, इतना आ गया, ये है पैसे में, बट हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, इसको रुपीज़ में। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 2 जीरोस कट गई, तो हमारे पास आंसर आ गया ₹240। देन अब देखिए, नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन, कितने एग्स ब्रोकन थे, 30, रिमेनिंग एग्स कितने होंगे, 300 में से 30 तो ब्रोक हो गए, कितने बचे हमारे पास, 270। देन सेलिंग प्राइस 1 egg की कितनी है, ₹1, और 270 की कितनी होगी, यहाँ लिख देते हैं 270 eggs, दैट इज 270 into 1, तो हमारे पास आ गया ₹270। अब उसने कितने के एग्स बाय किए थे, 240 के, और सेल कितने के किए हैं, 270 के, तो अब देखिए इस ट्रांजेक्शन पे आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 270 माइनस 240, आपके पास आपका प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे, 30 rupees। हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100, दैट इज 30 over 240 into 100, 0 से 0 कट गया, 3 1s 3 8s, यहाँ पे भी कटिंग कर देते हैं हम, यहाँ पे 4 के टेबल में भी हो सकती है, 4 2s 4 25s, देन 25 over 2, दैट इज 12 1/2%, जहाँ हम डेसिमल में भी बोल सकते हैं 12.5%, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन सोल्ड हिज बाईसाइकिल फॉर रुपीज़ दिस लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो उसने अपना बाईसाइकिल 405 rupees का सेल किया, बट उसको लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस का 1/10, फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंटेज। अब हमें क्वेश्चन में कितनी सेलिंग प्राइस दी हुई है बाईसाइकिल की, सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल टू ₹405, और उन्होंने लॉस क्या बताया, 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस नहीं है हमारे पास, उसको पहले सपोज करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, तो इस बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस को हम ले लेते हैं एक्स। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट समझाया था कि कभी कभी हम किस क्वेश्चन में 100 भी ले सकते हैं, वो तब लेते हैं
जब कोई वैल्यू ना गिवन हो। वैसे आप बिना 100 लिए सारे क्वेश्चन एक्सेल कर सकते हो, वो बहुत ईजी होते हैं। इन केस किसी में आपको अगर लेना है 100 वाला मेथड, इसलिए मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस नंबर्स में है, यहाँ कोई परसेंटेज में नहीं, गिवन नंबर में वैल्यू दी है 405। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से कॉस्ट प्राइस को 100 सपोज नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को क्या लेना है, एक्स लेना है। देन अब लॉस कितना बताया है, लॉस है 1/10 ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, तो 1x या 1x, x ही आ गया ऊपर, x ओवर 10 लॉस है। तो ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पे लॉस है, तो लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस में अगर हम अपना क्या कर दें, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाती है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है एक्स माइनस लॉस कितना है, एक्स ओवर 10। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, 1 and 10 का हम क्या करेंगे एलसीएम, दैट इज 10। 10 को 1 से डिवाइड किया, 10 10 इंटू एक्स 10x, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 1x या 1x एज इट इज़ आ गया हमारे पास। देन अब 9x में से यहाँ पे है 10x, 10 में से एक्स गए, हमारे पास आ गया 9x ओवर 10 इज इक्वल टू 405। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9x ओवर 10 इज इक्वल टू 405। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, 10 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36 हमारे पास कितने बच गए यहाँ पे, 4, देन 45, 9 5 ज़ा 45, x इज इक्वल टू 45 इंटू 10 450। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 450। ये हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। देन सेकेंड पार्ट था, हमें फाइंड करना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, लॉस। तो पहले हम यहाँ पे लॉस फाइंड करते हैं, लॉस क्या है, एक्स ओवर 10, एक्स ओवर 10 दैट इज 450, क्योंकि वो क्या था, 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर ली है, अब हमारे पास आ गया लॉस। देन लॉस परसेंटेज के लिए लॉस ओवर सीपी इंटू 100, यस। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 45 ओवर 450 इंटू 100, एक जीरो कट गई, 45 से कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 10%। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन सोल्ड अ रेडियो सेट फॉर ₹250 एंड गेन्ड 1/9 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना गेन किया उसने, 1/9 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इसमें भी हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, यहाँ लॉस था, यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने लिख लिया सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेडियो सेट इज इक्वल टू ₹250, देन लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो सेट। अब हमें अपने रेडियो सेट की क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या सपोज करेंगे, एक्स यहाँ पे, इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या हुआ है, गेन दैट इज हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 1/9 ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9x ओवर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, 1x या x, x ओवर 9। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जहाँ हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे सीपी इस साइड ले आते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी आपकी, एक्स प्लस एक्स ओवर 9 इज इक्वल टू, देन हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी सेलिंग प्राइस जो गिवन है, एंड यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और 9 का 9, 9x प्लस x इज इक्वल टू 250, 9x प्लस x क्या आ गया आपके पास, 10। देन अब हमें क्या करना है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सिंपली, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई, एंड ये 10 आके डिवाइड, 0 0 कट गए। अब हमें सिंपली क्या कर देना है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके 225, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे।
₹225। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज या हम बोल सकते हैं गेन परसेंटेज। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा आपका, जितना भी गेन आया है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। गेन कितना है हमारा, गेन हमने फाइंड करना था, यहाँ पे हम गेन फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स ओवर 9। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा प्रॉफिट जो हमने सपोज किया था, एक्स ओवर 9, दैट इज एक्स कितना है 225/9। तो गेन एज इट इज लिख देंगे 225/9। यहाँ पे क्या है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस भी आनी है, कॉस्ट प्राइस इसके नीचे आती है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगी इनटू 100। तो फ्रैक्शंस में हम कैसे लिखते हैं, जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो साथ ही दूसरी फ्रैक्शन के साथ आ जाना है डिनोमिनेटर में, ये कट गया तो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट 100/9%। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आ गया, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 11/9% भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमने इस क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज 8A अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 8B स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।